कालसी पुलिस ने किया क्षेत्र में पनप रहे नशे पर कड़ा प्रहार। 2 लाख से अधिक कीमत की चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून द्वारा सभी थाना अध्यक्षों को मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक देहात तथा क्षेत्राधिकारी विकास नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष कालसी के नेतृत्व में थाना स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु टीम का गठन किया गया, जिसके चलते कालसी थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर कोटी रोड में एक तस्कर को 1 किलो 60 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त की पहचान भगत राम पुत्र माधुराम उम्र 40 वर्ष निवासी धारिया मलेथा चक्राता के रूप में हुई। बरामद चरस की कीमत लगभग 2,12,000 आंकी गई है। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी भास्कर लाल शाह का कहना है कि पुलिस द्वारा नशा तस्कर के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाबत आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर उससे 1 किलो 60 ग्राम चरस बरामद की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध अभियुक्त पंजीकृत कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड के दृष्टिगत हमारे द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान थाना कालसी पुलिस द्वारा एक व्यक्ति भगत राम निवासी धार्य मलेथा के पास से कल दिनांक 16 मार्च को कोटी रोड से 1 किलोग्राम से अधिक मात्रा में चरस बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए से ज़्यादा की है। और इसमें जो कर्मचारी गण सम्मिलित थे उनमें एडिशनल SI युद्धवीर, कांस्टेबल मोहन और कांस्टेबल जसराम सम्मिलित थे। सर, ये कहाँ से कहाँ ले जा रहा था? कुछ उक्त व्यक्ति से पूछताछ में बताया गया कि इसको किसी नेपाली द्वारा ही बेचा गया था, जिसे बेचने के लिए छुबरों की तरफ को जा रहा था, तो इस बीच में ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। सर, ये क्या पूर्व में भी नशे का कारोबार करता था? अभी इस संबंध में विवेचनाधीन है, यद्यपि पूर्व में कोई मामला भी प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन अभी पूछताछ की जा रही है।